हाय नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, किसी भी देश की लाइसेंसिंग एग्जाम के प्रोसेस को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। उसके पीछे तीन महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि डोमेस्टिक स्टूडेंट्स की लाइसेंसिंग प्रोसेस डिफरेंट होती है कंपेयर टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ज़्यादातर जितने भी मीडिया या तो जितने भी रिसोर्सेज एक्सप्लेन करते हैं वो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से करते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, मल्टीपल अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती है लाइसेंसिंग प्रोसेस के लिए। एक सिर्फ लाइसेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टेट बोर्ड है और एक फेडरल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है। तो हर एक एजेंसी ने अपने अपने स्टेप्स लिख के दिए हैं। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ों को कंपाइल करके ऑथेंटिक सोर्स तक पहुँच नहीं सकते हैं। इसीलिए एक जगह पे सारे के सारे लाइसेंसिंग एग्जाम की प्रोसेस के स्टेप्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट डोंट वरी अबाउट इट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कैनेडियन फार्मासिस्ट लाइसेंसिंग प्रोसेस एंड द एंटायर 15 स्टेप्स आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन मच इन अ डिटेल फॉर्म। सो यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग एंड द बेस्ट क्वालिटी इंफॉर्मेशन एट द वन वीडियो ओनली। तो आप अंत तक बने रहिए, आज की वीडियो में आपको पूरी की पूरी लाइसेंसिंग प्रोसेस के बारे में समझ आ जाएगा। ओके, सो आज का जो हमारा वीडियो क्लास का एजेंडा है वो 8 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट आर द फार्मेसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन कैनेडा। क्योंकि किसी भी देश में जाने से पहले हमें उस देश में कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उसके बारे में और उसके रोल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपनी फंडामेंटल्स को ब्रॉडली एंड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड कर सके। सेकंड पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू गेट द ओवरव्यू अबाउट ऑल द 15 स्टेप्स दैट इन्वॉल्व टू बिकम द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन कनाडा। उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ईसीए रिपोर्ट। ओके, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट क्या है और पीबीसी के पास से और वेस के पास से अगर हम ईसीए रिपोर्ट लेते हैं तो वो दोनों में क्या डिफरेंस है और उसके एडवांटेजेस क्या है। उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशंस और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशंस के बेनिफिट्स क्या है। आपको ये भी समझाएंगे कि 50 पॉइंट आपके पीआर में सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन ऑफ असेसमेंट से बढ़ा सकते हो कैनेडा में। उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम की पॉइंट्स रिलेटेड टू द पीबीसी इवैल्यूएटिंग एग्जामिनेशन, व्हाट आर द पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड, वो भी डिस्कस करेंगे। एंड इंग्लिश रिक्वायरमेंट लाइसेंसिंग एग्जाम्स के लिए क्या है, पीबीसी के लिए एग्जाम इंग्लिश टेस्ट देना जरूरी है नहीं, और उसके बाद कुछ की टेक अवेज पूरे वीडियो खत्म होने के बाद आपको कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आपके दिमाग में होना जरूरी है ताकि आप आपकी प्रोसेस को स्मूथली एंड इजीली कवर कर सको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन द लाइसेंसिंग प्रोसेस इन कनाडा। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये सारे आठों पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स। सो आप अंत तक बने रहिए एंड यू विल गेट द थरो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोसेस। लाइसेंसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटीज में तीन अथॉरिटीज है जो रिस्पॉन्सिबल है कैनेडा में फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने में। सबसे पहली अथॉरिटी का नाम है नापरा। नापरा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ फार्मेसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ये नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज का एसोसिएशन है। मतलब कि अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो दिस इज अ पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे कि स्टेट काउंसिल्स, वो एक स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, सारी स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज का एसोसिएशन जो बनता है दैट्स कॉल्ड द नेशनल एसोसिएशन एंड दिस इज अ नेशनल एसोसिएशन। पीईबीसी, पीईबीसी सिर्फ और सिर्फ एग्जामिंग बोर्ड है। मतलब पीबीसी का रोल एग्जाम कंडक्ट करने के लिए ही है। उसका फुल फॉर्म फार्मेसी एग्जामिंग बोर्ड ऑफ कनाडा। तो ये जो बोर्ड है वो सिर्फ फार्मेसी और फार्मेसी टेक्नीशियन एंड फार्मासिस्ट की लाइसेंसिंग एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करता है। और जैसे ही आपकी लाइसेंसिंग एग्जाम्स पास हो गई, आपको क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन दे दिया, यू हैव सबमिटेड दैट क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशंस, उसके बाद आपको पीबीसी के साथ में कोई आगे जाके कोई ऐसा रिलेशंस नहीं रहेगा। एंड थर्ड इज स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज। जैसे मैंने बताया आपको कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल जैसे होती है, ऐसे स्टेट काउंसिल में ही रजिस्ट्रेशन करना होता है।
मतलब कि फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर कोई महाराष्ट्र में ले रहा है तो महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल के साथ वो रजिस्ट्रेशन करता है, उसको पीसीआई के साथ रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सुनिएगा, समझिए कि आपको स्टेट काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं कि फेडरल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के साथ। तो स्टेट काउंसिल के साथ ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बारे में समझना बहुत ही जरूरी था। ओके, अब नापरा की बात करें तो सबसे पहली आपकी जो प्रोसेस है वो नापरा से ही स्टार्ट होती है। नापरा में सबसे पहले आप नेशनल आईडी नंबर लेंगे। जैसे आपने डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन की प्रोसेस की तो सबसे पहला काम ही आप ये करोगे, नापरा आईडी लोगे, क्योंकि नापरा आईडी हमें पीईबीसी डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन में डालना है। अब पीईबीसी डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन सब कुछ कंप्लीट हो गया, एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटेड, तो आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड नापरा के पास रहेगा। तो ये एक डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी काम भी करता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी तो है पर उसके साथ साथ में वो डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी भी काम करता है, आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करता है और आपकी जो भी फार्मेसी प्रैक्टिस के ओरिएंटेड रेगुलेटेड काम करना है वो सब भी नापरा करता है। तो इसको ये समझ के चलो कि आप थियोरिटिकली नापरा के साथ आपने रजिस्ट्रेशन करके एक नेशनल आईडी नंबर ले लिया। अब ये नेशनल आईडी नंबर आपका एक परमानेंट आईडी नंबर रहेगा। उसके बाद आप पीईबीसी के साथ जुड़ोगे तो पीईबीसी अपना आईडी नंबर देगा। ओके, और पीईबीसी के बाद आप जब स्टेट बोर्ड के साथ जुड़ोगे तो स्टेट बोर्ड आपको अपना आईडी नंबर देगा। तो नेशनल आईडी नंबर यू विल गेट इट फ्रॉम नापरा, दैट्स द रेगुलेटरी कंपोनेंट, डोंट वरी टू मच अबाउट इट। ये थोड़ा सा टेक्निकल है पर इट्स ओके, मैनेजेबल है। अभी ये पूरे 15 स्टेप्स का लिस्ट है यहाँ पे। अब ये 15 स्टेप्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखेंगे पर ये एंटायर प्रोसेस को सिंप्लीफाइड वर्जन में ले जाने के लिए वी शुड हैव टू डिवाइड दिस एंटायर 15 स्टेप प्रोसेस इनटू टू स्टेप्स। तो हम दो स्टेप्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, स्टेप नंबर 1 दैट कंसीडर्स अ क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन स्टेप्स और स्टेप नंबर 2 दैट्स द स्टेट काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहां तक की प्रोसेस आपका संबंधी है पीईबीसी। तो जैसे पीईबीसी की सारी एग्जाम्स डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन सब कुछ खत्म हो जाएगा तो पीईबीसी आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा जिसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट। अब आपका और पीईबीसी का संबंध यहां से खत्म हो गया ऐसा समझो। अब ये क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशंस लेके आप किसी भी स्टेट काउंसिल के पास जाओगे। ओके, और स्टेट काउंसिल के पास आप बाकी की प्रोसेस कंप्लीट करोगे। तो दो पार्ट में है, एक पीवीसी के साथ का संबंध और एक स्टेट काउंसिल के साथ का संबंध। डन, चलो पहले हम ये 15 स्टेप्स टू गेट क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, 15 स्टेप्स टू बिकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन कनाडा वो तो है ही, पर उसमें से पहला स्टेप जो है दैट इज गेटिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन, उसको हमने और डिटेल में डिवाइड कर दिया। तो क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशंस के पूरे डिटेल स्टेप्स 15 बना के रख दिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, सबसे पहले आप आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एलिजिबिलिटी को कंफर्म कीजिए। एलिजिबिलिटी के कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है कि 4 साल की बी फार्मा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है कि मेरी क्वालिफिकेशन वैलिड है या नहीं। मतलब कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि सर मुझे कनाडा में पढ़ाई करनी पड़ेगी वरना मैं पीबीसी की एग्जाम नहीं लिख सकता हूं। ऐसा नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैंने तो बैचलर ऑफ फार्मेसी की है इसीलिए मैं पीबीसी नहीं लिख सकता हूं क्योंकि उसके लिए फार्मडी चाहिए। तो ये सारी मिथ्स है, ये गलत पॉइंट्स है। 4 साल की बी फार्मा किया है इंडिया से उसके बेस पर से आप पीबीसी एग्जाम लिख सकते हो और इंडिया से भी लिख सकते हो, कनाडा में कुछ भी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। That is first point, you have to be clear about that. The second point is you have to register with the NAPRA. ये एक simple वाली online application है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। आपको एक ID number मिल जाएगा, that's called the NAPRA ID. That's NAPRA ID need to be used for your PEBC document evaluation process. उसके बाद आप PEBC की website पर जाके एक portal account create करोगे। ये पोर्टल अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपकी बेसिक डिटेल्स भर दोगे। जैसे ही आपने आपकी बेसिक डिटेल्स भर दी उसके बाद एक फॉर्म को प्रिंट निकालना है। अब ये फॉर्म जो आपका फॉर्म है उसको प्रिंट निकालने के बाद उसको आप जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स को लगा के वो आपको कुरियर करना है हार्ड कॉपी में।
उसके साथ साथ में यू हैव टू कंप्लीट योर डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन रिजल्ट 8 वीक में आ जाएगा. मतलब आपने पोर्टल ऑनलाइन एप्लीकेशन हार्ड कॉपी सबमिशन ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटेड. अब सारे डॉक्यूमेंट्स पीबीसी को मिल गए. 8 वीक तक वो प्रोसेस करेंगे. 8 वीक प्रोसेस करने के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे देंगे. जैसे ही आपका रिजल्ट आ गया तो आपके पोर्टल में आपको ईमेल आया कि आपका सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड. उसके बाद 5 दिन में आपके पोर्टल में ये ऑटोमेटिकली अप्रूवल का लेटर आ जाएगा और उसके बाद ईसीए की एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी. मतलब डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन कंप्लीट होने के बाद आप ईसीए के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो. अब ईसीए का फुल फॉर्म है एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट. वो 2 मिनट के बाद उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं. उसके बाद आप एग्जाम की एप्लीकेशन कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ तो ईसीए भी पोर्टल में अवेलेबल हो जाएगा और आपकी इवैल्यूएटिंग एग्जाम पीईबीसी इवैल्यूएटिंग एग्जाम भी ओपन हो जाएगी. उसकी एप्लीकेशन भी आप ऑनलाइन कर सकते हो. जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो कोई हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है. ये टाइम पे सिर्फ टेंटेटिव चीजें लिखनी है, क्योंकि एग्जाम रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आपको फाइनल स्लॉट और टाइम बुक करने के लिए रजिस्ट्रेशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. ओके, वो प्रोमेट्रिक की तरफ से आएगा. अभी आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन डन कर देनी है. उसके बाद एग्जाम का डेट बुकिंग करना है, वो प्रोमेट्रिक में से आपको एक ईमेल आएगा और ये प्रोसीजर आपको डन कर देनी है. जैसे आपने एग्जाम का डेट बुकिंग कर दिया, देन आफ्टर यू विल गेट पीईबीसी इवैल्यूएटिंग एग्जामिनेशन के लिए बैठना है. ये एग्जाम आपकी पास हो गई, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. अब ये पास का रिजल्ट जैसे ही आ गया उसके बाद आप क्वालिफाइंग एग्जाम लिखोगे. वंस यू डन द क्वालिफाइंग एग्जाम एमसीक्यू एंड क्वालिफाइंग एग्जाम ओएससी ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, तो ये कंप्लीट होने के बाद यू विल रिसीव द क्वालिफिकेशन, रिसीव द क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशंस. ये क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशंस मिल गया, उसके बाद यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. ओके, तो ये पूरे के पूरे 13 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं टू गेट योर क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशंस. ओके, नाउ की पॉइंट्स अबाउट ईसीएम. ये एक ओवरव्यू आपको मिल गया कि हाउ यू विल गेट योर क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशंस. अब कुछ जो की एलिमेंट्स है जो आपको याद करने हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. ECA का फुल फॉर्म इज एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट. अगर आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू ECA कर सकते हो, पर अगर आप PEBC के थ्रू ECA करते हो या तो आप बाकी एजेंसी के पास से ECA करते हो, तो अदर एजेंसीज की ECA रिपोर्ट की वैल्यू और PEBC के ECA की रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क है. ये 90% लोगों को पता नहीं है, पर अगर आप पीईबीसी के थ्रू अगर इवैल्यूएशन करवाते हो और ईसीए रिपोर्ट लेते हो, दैट इज कंसीडर एज ए मास्टर्स और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अलाउड टू प्रैक्टिस. तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये समझो. पीईबीसी के ईसीए रिपोर्ट इज मोर वैल्यूएबल कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस ईसीए. अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर गिविंग ए जनरल इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स and PEBC is a specialized body that only doing this certification process for the specific professionals like a pharmacist. Okay, so ECA report from the PEBC is more valuable and you have to think about it. Second is the optional hai application. Kuch logo ko IRCC mein jarurat nahi hai, matlab PR ke liye jarurat nahi hai, to mat karwao. Iski koi मैंडेटरी नहीं है, ये इग्नोर कर सकते हो. उसकी एप्लीकेशन फीस है $100. एक छोटा सा फॉर्म भरना है रिक्वेस्ट और $100 पे करना है. यू विल गेट योर ईसीए रिपोर्ट. ईसीए रिपोर्ट की जो वैलिडिटी है दैट इज वैलिड फॉर 5 years. ओके, एक बार आपका ईसीए रिपोर्ट आ गया तो वो 5 years के लिए वैलिड है. तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले, अगर आप पीईबीसी इवैल्यूएटिंग एग्जाम लिख रहे हो, आपका डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन हो चुका है, तो $100 भर के ईसीए रिपोर्ट ले लेना चाहिए. दैट इज मोर एडवाइजेबल. सेकंड,
जो स्टूडेंट्स को ईसीए रिपोर्ट पीबीसी से लेने के बाद पीआर की फाइल करते हो तो उसके पॉइंट्स में भी बेनिफिट्स मिलेंगे ओके और अननेसेसरी ईसीए एडवांस में करने की जरूरत नहीं है, ईसीए आप कभी भी कर सकते हो, दैट इज वैलिड ओनली फॉर 5 years। ये 3 की पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखना जरूरी है। उसके बाद What are the key points you have to keep in mind about the PEBC exam? तो सबसे पहला, what is eligibility? आपका positive document evaluation हो जाना चाहिए। तो document evaluation करवा लो। Document evaluation will take about 8 weeks time. Once your document evaluation will be completed, automatically in your portal, exam registration form will be available. उसके बाद frequency साल में 2 बार PEBC evaluating exam होती है। ओके अभी हम इवैल्यूएटिंग एग्जाम की बात करें तो वो जनवरी एंड जुलाई में ये एग्जाम्स होती है और क्वालिफाइंग एग्जाम भी 2 बार होती है, मई एंड नवंबर में, पर अभी हम इवैल्यूएटिंग की बात कर रहे हैं। इसकी डेडलाइंस जनरली 4 महीने पहले होती है, तो कभी भी आपको एग्जाम लिखना है तो यू हैव टू प्रिपेयर 6 months इन एडवांस। 6 months इन एडवांस का मतलब क्या हुआ कि एग्जाम के 4 महीने पहले आप एग्जाम रजिस्ट्रेशन करोगे, उससे 2 महीने पहले आप डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन करोगे, तो इफेक्टिवली आपको 6 महीने पहले प्लानिंग करना जरूरी है और आपकी प्रिपरेशन के लिए भी तो इतना टाइम लगेगा, तो 6 महीने पहले मिनिमम प्लान कर लेना वर्थ वाइल है। उसके बाद अगर कॉस्ट की बात करें तो $890 इज फॉर द एग्जाम फीस और पूरा कॉस्ट का ब्रेकडाउन पीछे दिया गया है, डोंट वरी अबाउट इट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपको कोई IELTS या अदर लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। पीबीसी इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज टेस्ट बिफोर हैंड। आपको क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशंस मिल जाएगा, आप जब स्टेट काउंसिल के पास जाओगे उस टाइम पे आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइसेंसिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों चीजों को देखो कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन है तो आप पीआर के लिए बहुत वैल्यूएबल हो। दूसरा, इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो आप स्टेट काउंसिल के साथ में आपका फार्मेसी का लाइसेंस की प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हो। इसीलिए क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशंस को अगर हम सिंप्लीफाइड करें तो आपको तीनों की तीनों लाइसेंसिंग एग्जाम पास करनी है, पीईबीसी इवैल्यूएटिंग एग्जाम, पीईबीसी क्वालिफाइंग एमसीक्यू एंड पीईबीसी क्वालिफाइंग ओस्की। अब ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू के ऊपर है, पीईबीसी डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन के ऊपर एक अलग से वीडियो है, PEBC Evaluating Exam के लिए एक अलग वीडियो है, PEBC Qualifying Exam के लिए एक अलग से वीडियो है, ओके आपके डॉक्यूमेंट किस तरह से सबमिट करने हैं उसके लिए एक अलग वीडियो है, PEBC के रिजल्ट्स कैसे होते हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो है, PEBC में कौन सी बुक्स पढ़नी है उसके लिए अलग से वीडियो है, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए अलग है और एग्जाम के लिए कुछ क्वालिटी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए वीडियोज है। इसमें से जितने वीडियोस मुझे आपको अवेलेबल करवाने, सारे के सारे वीडियोस एंड ब्लॉग्स की लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो काइंडली रिक्वेस्ट कि आप ये डिस्क्रिप्शन को जरूर से देखिएगा और उसमें से आपके जो रिलेवेंट है वो सारे वीडियो लेक्चर्स को आप देख के प्लानिंग कर सकते हो। ओके उसके बाद रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ओके ये जो प्रोसेस है उसमें हम अलग अलग 6 steps के बारे में देखना जरूरी है। सबसे पहले कौन कौन से 6 ऐसे steps है जो आपको लाइसेंस लेने में काम आएंगे। सबसे पहले क्या करना है, वंस यू गेट योर क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशंस यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ विद स्टेट बोर्ड स्टेट काउंसिल। अब स्टेट काउंसिल में वहां पे कैनेडा में कॉलेज ऑफ फार्मेसी बोलते हैं, जैसे कि ओंटारियो कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जैसे गुजरात में क्या बोलते हैं, इंडिया में क्या बोलते हैं, गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल, काउंसिल बोलते हैं वहां पे, उसको कॉलेज बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके दूसरा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये भी एक जरूरी है। उसके बाद लॉ की एक एग्जाम लिखना है। ओके देन यू हैव टू कंप्लीट द आईपीजी। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और अभी मैं जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं
वो $14,000 की इंफॉर्मेशन है, $14,000। आगे जाके आपको आईपीजी के बारे में समझाऊंगा कि ये आप बाईपास कर सकते हो। उसके बाद आपको एक पेश मतलब कि प्रैक्टिस असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी, आप में वो कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स है टू प्रैक्टिस एज ए इंडिविजुअल फार्मासिस्ट, उसका असेसमेंट पॉजिटिव हो गया, यू बिकम द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, देन इट्स यू गेट योर रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट। सो दीज आर द सिक्स स्टेप्स। अब हम अगर सबको कंबाइन करें तो पहले डॉक्यूमेंट इवेल्यूएशन, उसके बाद पीईबीसी की एग्जाम, पीईबीसी की एग्जाम पास करने के बाद क्वालिफाइंग एग्जाम की एमसीक्यू, क्वालिफाइंग एग्जाम की एमसीक्यू के बाद आप ओस्की लिखो, ओस्की कंप्लीट करके आपको क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन मिल गया, ये लेने के बाद आप स्टेट काउंसिल में रजिस्टर करो, स्टेट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के साथ आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव कर दो, उसके बाद आप लो की एग्जाम लिख दो, लो की एग्जाम लिखने के साथ साथ में आप आपका असेसमेंट करवा लो, अगर जरूरत पड़ रही है तो आईपीजी भी कर लो, ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करके यू बिकम द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड स्टार्ट वर्किंग एज ए फार्मासिस्ट इन कनाडा इन दैट पर्टिकुलर प्रोविंस। ओके, इंग्लिश टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यहाँ पे, जैसे चार अलग अलग टेस्ट को आप कंसिडर कर सकते हो, एक है आपकी टॉफल, एक है मेलेब, एक है आईएलटीएस और एक है कैन टेस्ट। ओके, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपके यहाँ पे दिया गया है। ओके, आईएलटीएस में ओवरऑल 7 बेंच चाहिए, इंडिविजुअल में 6 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 7 शुड नॉट बी लेस देन 6, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी फॉर स्टेट लाइसेंसिंग। मैं फिर से इंसिस्ट करता हूँ कि पीबीसी को इंग्लिश टेस्ट की जरूरत नहीं है, पीबीसी आपको क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन देगा, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन के बाद आप जब स्टेट काउंसिल के पास जाते हो तभी आपको इंग्लिश चाहिए। ओके, तो इंग्लिश के बारे में अभी से टेंशन करने की जरूरत नहीं है, पीबीसी पास करने के बाद भी सोच सकते हो। डन, सो व्हाट आर द कंक्लूजन, 6 टेक अवे पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड, द फर्स्ट वन इज द पीबीसी एग्जाम 4 साल की बी फार्मा के बेस पर दे सकते हो, उसकी वैलिडिटी पीबीसी की डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन एंड पीबीसी की वैलिडिटी 5 साल की है, मतलब 5 साल में आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। ओके, 3 ही अटेम्प्ट्स मिलेंगे पीबीसी लाइसेंसिंग एग्जाम्स के, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे पीबीसी इवैल्यूएटिंग एग्जाम की वीडियो में, पर 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, 4th अटेम्प्ट आपको सिर्फ मर्सी अटेम्प्ट मिलेगा, IELTS इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर पीबीसी एग्जामिनेशंस। ओके, इट इज पॉसिबल टू गेट द फार्मासिस्ट लाइसेंस इन कनाडा विद इन 1 ईयर, यस 1 साल में लाइसेंस ले सकते हो, जैसे कि जनवरी में आपने पीबीसी इवैल्यूएटिंग कंप्लीट कर ली, मई में पीबीसी क्वालिफाइंग कर ली, आप दोनों ही क्वालिफाइंग एक साथ दे सकते हो मई में, पर अगर मई में नहीं किया तो नवंबर में पीबीसी ओस्की दे दी और उसके बाद आपने आपका पॉजिटिव असेसमेंट करवा लिया, पेश करवा लिया, लो की एग्जाम लिख के विद इन 1 ईयर में अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो यू कैन मैनेज टू गेट योर लाइसेंस। ओके, बोथ क्वालिफाइंग एग्जाम टेकन टुगेदर, दोनों एमसीक्यू एंड ओस्की साथ में ले सकते हो, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स है जिसने दोनों एग्जाम साथ में करके पास करके रजिस्टर फार्मासिस्ट बन चुके हैं। ओके, सो these are the points you have to keep in mind, and if you have any question, any doubts, you can write it down in the comment. If this video has had any value in your life, so kindly request you to share this video to those who need it, might be other students, they can require this kind of information, तो उसको आप share कर सकते हो, like कर सकते हो, और इसी तरह के content को अगर आपको सुनना है pharmacy related career के बारे में, you are most welcome to come and join the PharmaVision community. Okay, have a great time and work as a pharmacist and have a great and bright future as a pharmacist. Bye bye, take care. Cost break ground break you. Uber to in a bache the tier cap in pachi karna je pachu na ki deje. Ukaris? No, stop recording na ti karto. Continue bol vachit cut mar de. Okay, so now these are the 14, like these are the 15 steps you have to follow, and this is a checklist. So I am going to give you the attachment
पीडीएफ अटैचमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से उसको डाउनलोड करके आपके एक रेफरेंस के लिए रख सकते हो. एंड दिस आर द कॉस्ट ब्रेकडाउन. सो टोटल कॉस्टिंग इज $20,030 विल बी द कॉस्ट, पर 14,000 तो सिर्फ आईपीजी का है. आईपीजी उसको अगर माइनस कर लो तो $6,000 का खर्चा होगा. टोटल इज नथिंग, $6,000. अगर एज ए फार्मासिस्ट आप $50-60 घंटे की कमा रहे हो तो 100 घंटे का काम हुआ, उसका मतलब 3-4 वीक में तो आप यू कैन रिकवर द वॉट एवर इन्वेस्टमेंट यू हैव डन. तो दैट्स द गुड रिकवरी पॉइंट. एंड $14,000 को बाईपास करने का एक आसान सा तरीका है कि अगर आपने क्वालिफाइंग एग्जाम की दोनों MCQ एंड OSCE दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर ली तो आपको आईपीजी करने की जरूरत है ही नहीं. यू डोंट नीड टू डू आईपीजी. आईपीजी एग्जेम्प्ट हो जाएगा और $14,000 बच जाएंगे. तो मेरे भाई मेहनत करो और क्वालिफाइंग एक अटेम्प्ट में पास कर लो. बस एक अटेम्प्ट में पास कर लोगे तो इजीली आपके $14,000 बच जाएंगे. $14,000 इज नॉट ए कॉम, वो एक मजाक नहीं है यार. $14,000 इज ह्यूज मनी. तो आप थोड़ी सी मेहनत करो और बचा लो ये पैसे. हैव ए ग्रेट टाइम, गुड टाइम, बाय बाय.